नमस्कार, जय हिंद, सत श्रीकाल दोस्तों। आपके स्वस्थ स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आज की इस वीडियो में मैंने ना तो अपनी टाटा नैनो को स्टार्ट किया हुआ है, ना ही इसका एसी को मैंने ऑन किया हुआ है, क्योंकि आज की वीडियो में मुझे आपको इसके इंजन को दिखाना है, उसमें कुछ पार्ट्स को मुझे छूना भी है। तो इसलिए अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो इंजन हीट हो जाएगा, तो उस चीज़ को मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो आज की वीडियो में अगर मैं आपको पसीने से लथपथ दिखाई देता हूँ तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो देखिए, जब भी हम नैनो के लिए, कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है उस पर, जब हम वीडियोस बनाते हैं यार, तो टाइटल जो हम रखते हैं तो वो काफ़ी अजीबोगरीब हो जाता है उसका। ऐसा ही आज की वीडियो का मेरा टाइटल है, टाटा नैनो की छन छन। तो एक इससे मैल खाता हुआ पहले भी मैंने एक टाइटल रखा था टाटा नैनो का, उसका नाम था टाटा नैनो की भड़बड़। तो उस वीडियो में हमने टाटा नैनो की ऑटो जैसी जो साउंड होती है उसके रीजन के बारे में जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वो वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो उस टाटा नैनो की भड़बड़ का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो तो टाटा वालों की ही देन है। और ये जो टाटा नैनो की छन छन है, इसकी दवा हमारे पास जरूर उपलब्ध है। तो इससे पहले कि हम इसके उपचार के बारे में बात करें, पहले हम जान लेते हैं कि टाटा नैनो की छन छन आखिरकार मर्ज क्या है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त है अपने यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसके इंजन कंपार्टमेंट में से हमें एक छन छन की आवाज आती है। तो वो छन छन की आवाज आप मान सकते हैं उसके जैसी होती है। मान लीजिए हमने अपने दोनों हाथों में दो खाली गिलास पकड़े हुए हैं और उनको जब हम काफी करीब लेकर आते हैं और अपने हाथों को वाइब्रेट करके जब उनको टकराते हैं तो जो आवाज उत्पन्न होती है, वैसी ही छन छन की आवाज हमारी इंजन में से आती है उस वक्त। तो देखिए, ये आवाज भी हल्के हल्के बढ़ती है, एकदम से नहीं आती है। जब ये आवाज की स्टार्टिंग होती है तो ये आपको रिवर्स करते हुए सुनाई देती है, जब आपका इंजन वाइब्रेट करता है। उसके बाद ये जब आपकी गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट है, तो भी आपको आती है। तो देखिए, इसके ऊपर मेरे पास काफी कमेंट में भी सवाल आए थे। और दूसरा, आज से 2 से 2.5 साल पहले मेरी टाटा नैनो खुद भी इस बीमारी का शिकार हो चुकी है। तो देखिए, जब भी हमारी गाड़ी में शिकायत आती है तो हम सबसे पहले अपनी गाड़ी के पिछले भाग की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसके पिछले भाग की तरफ चल रहे हैं, इसके साइलेंसर तक हम जाएंगे। सबसे पहले हम साइलेंसर पर ही जाते हैं और हम देखेंगे क्या यहाँ पर इसका कुछ लूज तो नहीं है, क्या कुछ ढीला तो नहीं है। अगर मैं इसके नीचे लमलेट होकर भी सब कुछ देखता हूँ तो मुझे ऐसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। तो इसकी अब गहरी जाँच पड़ताल के लिए हम चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, अंदर आ जाते हैं। ये इसका मैंने पहले से ढक्कन खोला हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इसके साइलेंसर के ऊपर एक ये हमारी स्टील की प्लेट आपको दिखेगी लगी हुई है। तो जब इस स्टील की प्लेट को मैं ऐसे देखिए हिलाता हूँ तो ये वाइब्रेट होकर ऐसी आवाज़ करती है। तो उस टाइम पर इससे भी बहुत ही ज़्यादा छन छन की आवाज़ आती है। और ये स्टील की प्लेट जो है हमारी, इन दो बोल्टों पर लगी होती है, आप देख सकते हैं। ये आपको दो बोल्ट नीचे दिखाई दे रहे होंगे, ये बोल्ट भी आपको बिल्कुल टाइट ही दिखेंगे, ये भी आपको कहीं से लूज नहीं दिखाई देगा। लेकिन समस्या जो पैदा होती है वो यहाँ होती है, यहाँ देखिए आप, ये इस प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर एक रिपिट्स लगे हुए, दो यहाँ पर और ये दो यहाँ पर, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चलते चलते लूज हो जाते हैं, तब जाके ये वाइब्रेट करने लगती है पत्ती हमारी। इस वक्त तो मेरी पत्ती नहीं कर रही है क्योंकि मैंने इसको टाइट किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, इन दोनों बोल्टों को बाहर निकालिए। इस स्टील प्लेट को आप बाहर निकालने के बाद इसको किसी हार्ड सरफेस पर रखकर इसकी इन रिपिट्स के ऊपर आप हथौड़ी से प्रेस करिए। देख लीजिए आप ध्यान से, अगर मैं आपको ध्यान से दिखा पाऊँ तो देखिए, यही वो रिपिट्स है, देखिए आप, ये इनको आपको अच्छे से प्रेस करके दोबारा इस प्लेट को वापस यहाँ पर लगा देना है। अगर आप समझेंगे कि ये प्लेट तो एक्स्ट्रा लगी है, उसको हम नहीं लगाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि टाटा वालों ने कॉस्ट कटिंग के लिए काफ़ी चीज़ों की कमी की है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो भी इस प्लेट को यहाँ नहीं लगाते। इसलिए इसको दोबारा ठीक करने के बाद आप इस प्लेट को यहीं पर लगा लीजिएगा। तो अब थोड़ा गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी समस्या आती है छन छन की, इसका मेन रीजन यही होता है। तो अगर आज की इस वीडियो से आपकी समस्या का हल होता है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो आज का बनाना मेरा सफल हुआ है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके लगातार आता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय महाकाल।